हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ट्विंकल एंड वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्साज, वेयर वी गिव इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्सेशन, फाइनेंशियल्स एंड स्टैट्यूटरी अपडेट्स टू यू. सो हिट द बेल आइकन टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो यू डोंट मिस एनी लेटेस्ट अपडेट्स. सो टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस अबाउट डिन. वॉट इज़ डिन? डिन क्या होता है? अब हमारी बहुत सारी वीडियोज़ में आपने ये सुना होगा कि किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के लिए डायरेक्टर्स को डिन चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर चाहिए. किस LLP में भी आपने सुना होगा कि डायरेक्टर को डिन चाहिए, और बहुत सारी कन्वर्जन वगैरह में भी आपने सुना होगा. तो आज हम बात करते हैं कि ये डिन होता क्या है. तो डिन की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ये. अब ये किसको मिलता है और क्या एप्लीकेबिलिटी होती है इसकी? तो डिन कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर या फिर किसी LLP या फर्म में एज अ पार्टनर ऐड हो रहे हैं तो उनको ये डिन नंबर मिलता है. ये एक यूनिक नंबर होता है. अब ये डिन मिलता कैसे है और ये अप्लाई कैसे होता है, या फिर अगर मैंने अप्लाई कर लिया है अपना डिन तो मैं अमेंड कैसे करूँगी इसमें? तो अगर कोई फ्रेश इंडिविजुअल किसी फ्रेश कंपनी में जो न्यूली इनकॉर्पोरेट हो रही है, अगर आप उसमें डायरेक्टर बनते हो, तो जब आपकी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म्स जाते हैं, स्पाइस फॉर्म्स, उसी के साथ आप उन डायरेक्टर्स के लिए उनका डिन अप्लाई कर सकते हो. अब मुझे एक रनिंग या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी में एज अ डायरेक्टर या फिर पार्टनर अपॉइंट होना है तो मैं क्या करूँगी? तो उसके लिए एक फॉर्म आता है DR3 फॉर्म, जो कि किसी भी इंडिविजुअल को फिल करना पड़ता है. अब मेरे पास डिन है, मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर भी हूँ, बट मेरी जो डिटेल्स है मुझे उसमें चेंजेस कराने हैं, मॉडिफिकेशन कराने हैं, तो मैं कौन सा फॉर्म फाइल करूँगी? तो उसके लिए फॉर्म होता है DR6. अब व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ डिन? डिन को अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होता है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं? तो डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं फ़ोटो, पैन, आधार और आपका डिजिटल सिग्नेचर, जो कि फॉर्म में लगता है. अब इस फॉर्म में अटैचमेंट क्या क्या जाती है? जब आप DR3 फॉर्म फाइल करते हो तो उसमें चाहिए होता है आपकी फ़ोटो, डिजिटल सिग्नेचर या फिर आपका एड्रेस प्रूफ, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए. एंड DR3 फॉर्म में जिस एप्लीकेंट का आप डिन अप्लाई कर रहे हो उसके डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए, और DR3 फॉर्म सर्टिफाई होना चाहिए या तो किसी CS से या फिर CA से या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी किसी कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर हो. अब इस फॉर्म को फाइल करने की फ़ीस क्या होती है? नॉर्मल अगर आप स्पाइस फॉर्म के साथ अपना फॉर्म फाइल करके डिन अप्लाई कर रहे हो तो जो फीस होती है स्पाइस फॉर्म्स की, वो उनके साथ ही आ जाता है. लेकिन अगर आप इंडिविजुअल किसी कंपनी में दोबारा से डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हो तो उस फॉर्म की DR3 फॉर्म की फ़ीस होती है 500 रुपीज़. ये कोई डेज के ऊपर नहीं होता है या फिर कोई शेयर कैपिटल के ऊपर नहीं होता या फिर आप जितने शेयर्स ले रहे हो, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता. इस फॉर्म की नॉर्मली फ़ीस होती है 500 रुपीज़. अब कई बार क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, वो किसी कंपनी में कभी कभी डायरेक्टर अपॉइंट हो जाते हैं और फिर वो कंपनी छोड़ देते हैं, लेकिन उनको याद नहीं रहता कि ये डिन क्या होता है, या बहुत सारे लोगों को इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती. वो किसी और कंपनी में गए और फिर से बोलते कि मेरे पास डिन नहीं है, तो उनके लिए उस कंपनी के लोग दोबारा से फ्रेश डिन अप्लाई कर देते हैं. तो जब वो डिन अप्लाई करेंगे और MCA वहाँ पे जाके चेक करेगा और वो फाइंड करेगा कि ये इन्फॉर्मेशंस या फिर ये डिटेल्स ऑलरेडी आ रखी है, तो गवर्नमेंट उसको रीसबमिशन के लिए नहीं देती है, वो एक प्रोविजनल डिन जनरेट कर देती है. अगर आपकी डिटेल्स फ्रेश पाई जाएंगी तो आपको एक अप्रूव डिन मिल जाएगा, और उसके बाद आपको डिन दोबारा अप्लाई करने की कभी ज़रूरत नहीं है. इन फ्यूचर आप कितने भी टाइम बाद किसी भी कंपनी में अगर डायरेक्टर बनते हो तो आपका वही डिन नंबर कंटिन्यू होगा. अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस आते हैं. कुछ कॉमन क्वेश्चंस हो गए जैसे कि मैंने डिन के लिए अप्लाई किया था बट मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया किसी भी कारण से, किसी भी रीज़न से अगर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो क्या मुझे दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म फाइल करना पड़ेगा या फिर मुझे डिन मिलेगा ही नहीं? तो यस, आपको दोबारा से एक फ्रेश फॉर्म फाइल करना पड़ेगा. आप फाइल कर सकते हो, उसके बाद डिन के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हो. अब इफ़ अगर मेरी डिन की एप्लीकेशन रीसबमिशन के लिए आएगा तो मुझे क्या करना होगा? क्या मुझे नया फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं. आपका अगर डिन किसी भी रीज़न से रीसबमिशन के लिए आता है तो आप उसी फॉर्म में रेक्टिफिकेशन फाइल करोगे विदिन 15 डेज. अब रीसबमिशंस के रीज़न क्या क्या होते हैं हम वो डिस्कस करते हैं. या तो आपने जो आइडेंटिटी प्रूफ या फिर रेसिडेंस प्रूफ दिया होगा वो एक्सपायर हो गया, फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है, या फिर फॉर्म में जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताई है उसका कोई प्रूफ नहीं दिया तो भी आपका फॉर्म रीसबमिशन के लिए आ सकता है.
या जो भी डिटेल्स आपने फॉर्म में डाली है वो इनकरेक्ट हो या उसके सपोर्टिंग में कोई डॉक्यूमेंट्स ना हो तो भी आपका फॉर्म रिसबमिशन के लिए आ सकता है, या फिर अगर आपके डिटेल्स के लिए एफिडेविट नीडेड है और आपने एफिडेविट नहीं दिया तो भी आपका फॉर्म रिसबमिशन के लिए आ सकता है। तो फिर आपको इन्हीं सब के लिए रेक्टिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आप उसी सेम फॉर्म में दोबारा से अटैच करो और वो फॉर्म रिसबमिशन के लिए फाइल करो, तो आपको आपका डिन दोबारा से मिल जाएगा, आपको फ्रेश फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने डिन तो ले लिया, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है, आप किसी भी कंपनी में डिन लेते हो, किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनते हो, आपको हम डिन नंबर प्रोवाइड करते हैं, तो आपको वो हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा। पहले गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलती थी, बट अभी ये न्यूली आया है। अब अगर आप किसी भी कारण से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी या किसी भी वजह से आप अपना DRHP KYC नहीं कर पाए तो क्या होता है, तो गवर्नमेंट कहती है हम आपका वो डिन डीएक्टिवेट कर देंगे। डीएक्टिवेट का मतलब होता है फिर आप जिस भी कंपनी में डायरेक्टर हो तो उस कंपनी के बहुत सारे काम रुक जाएंगे, और इस अगर आपको दोबारा से DR3 KYC करनी है तो उसके लिए फॉर्म फाइल करना पड़ेगा आपको DR3 KYC, जिसकी फ़ीस होती है ₹5,000। जब तक आप वो पे नहीं करोगे आपका डिन एक्टिव नहीं होगा, और एक्टिव नहीं होगा तो आपकी कंपनी के बहुत सारे कंप्लाइंसेज जैसे एनुअल फाइलिंग, DPT 3 जाना होगा, IN-C 20 जाना होगा, या कुछ भी जाना होगा, तो वो आप नहीं फाइल कर सकते। बात करते हैं मैंने डिन तो ले लिया, मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर बन गई, बट इन फ्यूचर मेरा डिस्प्यूट हो गया या कुछ भी हो गया, मैंने वो कंपनी से रेजिग्नेशन दे दिया, अब मेरे पास डिन है, अब मैं डिन को कैसे सरेंडर करूँ। कंपनीज अगर मुझे नहीं चलानी होती तो हम कंपनी क्लोजर कर देते, बट डिन का क्या होता है, डिन आप सरेंडर नहीं कर सकते हो। आपने अगर किसी कंपनी के लिए डिन लिया है तो आपको उसे हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा। रिन्यू में कोई चार्जेस नहीं होते, बस आपको नॉर्मल एक KYC का फॉर्म फाइल करना होता है, उससे आपका डिन रिन्यू हो जाता है। बट अगर किसी भी रीज़न से आपने अपना डिन रिन्यू नहीं करा, आपको पता नहीं था, या फिर कोई किसी भी रीज़न से आपकी ड्यू डेट निकल गई, तो फिर आपको दोबारा से वो डिन का DR3 KYC कराना पड़ेगा। अगर आपने नहीं करवाया तो आप बोलते हो नहीं, मुझे तो अब किसी कंपनी में डायरेक्टर दोबारा बनना ही नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर आपको कहीं से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली डायरेक्टर बनने की, तो आप उस कंपनी में तब तक डायरेक्टर नहीं बन सकते हो जब तक आप DR3 KYC फाइल करके अपना डिन एक्टिवेट नहीं कराते हो। और अगर आप अपना डिन एक्टिवेट नहीं कराओगे और आप किसी कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर हो, तो बहुत सारे कंप्लाइंसेस भी आप फाइल नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी डिन के बारे में, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है और बहुत नॉलेजेबल है। अगर ये चीज़ें नहीं आप करते हो तो आपका बहुत सारे कंप्लाइंसेस रुक जाते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, उसका रिवर्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। थैंक यू।